हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 15 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका हाइड शो एंड टॉगल के बारे में कि जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी भी हम जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप या सीएसएस में हम काम करते थे तो वहां पे हम किसी भी एलिमेंट को हाइड शो एंड टॉगल करवा देते थे। यही सारी चीजें हमें रिएक्ट के अंदर भी मिलती हैं। कैसे करेंगे वो तो हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। और आपको अगर रिएक्ट के या रिएक्ट के प्रोजेक्ट के सोर्स कोड चाहिए तो उसके लिए भी हमारी वेबसाइट और गिटहब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं इसके अंदर, क्योंकि थ्योरी का इतना ज्यादा कुछ पार्ट है नहीं। जो भी हम करते हैं वो रियल वर्ल्ड में करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से हाइड एंड शो एंड टॉगल यहां पे वर्क करता है। तो चलिए यहां चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस अपने एडिटर पे आने के बाद में आप यहां पे देखेंगे app.js मेरे पास में। ओके, यहां पे हमारी ये फाइल होने वाली है, इसी के अंदर हम वर्क करेंगे और जो हमें आउटपुट दिखेगा वो ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से यहां पे दिखेगा। ओके, और उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले अभी एक प्रोजेक्ट कवर करा था। ओके, रिएक्ट जेएस का फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई थी कि किस तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हैं, कहां से आप नेस्टेड सीएसएस, जो लेटेस्ट सीएसएस का फीचर है कि जैसे सैस आप यूज करते हैं ना वही फीचर आपका सीएसएस के अंदर आ गया है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। और रिएक्ट की सीरीज तो चली रही है आपकी यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है आपकी। एडवांस जावास्क्रिप्ट आपको यहां से सीखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो बनाना है तो यहां से प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं आप बेसिक जावास्क्रिप्ट के लिए। और वैसे ही बहुत सारी बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट सब कुछ अवेलेबल है गाइस यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन के चैनल पे, जाएं एंड फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर सकते हैं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहां से हमें सोर्स कोड मिलेगा, तो देखिए गिटहब का ये पेज है, यहां पे आपको ये रेपोज मिलेगी, ये पब्लिक कर रखी है मैंने ट्यूटोरियल के लिए, आपको ट्यूटोरियल वाले से मिलेगी। और जब कभी भी मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा जो रिएक्ट के आएंगे वो आपको यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जितनी भी मेरी बाकी वीडियोस के सोर्स कोड होंगे वो हमारी वेबसाइट से मिलेंगे, codeforeducation.com ये वेबसाइट है, यहां से जाएं और यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सके। और बहुत सारे लोगों को मेरा लिंक्डइन अकाउंट नहीं मिलता गाइस। ओके, लिंक्डइन अकाउंट आप यहां पे देखेंगे तो लिंक्डइन अकाउंट ये है हमारा, ठीक है, भास्कर गुप्ता कोड फॉर एजुकेशन आपको यहां पे दिख जाएगा। आप यहां से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपकी प्रोफाइल को जॉब के लिए रेफर कर पाऊंगा तभी। ओके, तो चलिए यहां पे कंटिन्यू करते हैं अपने वापस टॉपिक पे, यहां पे आते हैं। अब मानिए यहां पे मेरे को आपका शो हाइड एंड टॉगल बनाना है तो किस तरीके से बनाना होगा। उससे पहले सबसे पहले हमें यहां पे क्या चाहिए, एक डिव चाहिए मानिए। तो मैं क्या करता हूं यहां पे क्लास नेम स्टेटस, ओके, इसके अंदर कर देता हूं कंटेंट। ओके, अब ये स्टेटस नाम की ही क्लास क्यों ली मैंने, क्योंकि मैंने app.css के अंदर यहां पे स्टेटस नाम की क्लास बना रखी है जिसमें मैंने विड्थ हाइट मार्जिन डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन एटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बॉर्डर रेडियस एंड बैकग्राउंड कलर एंड कलर, ये मैंने प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको यहां पे छोटा सा शो कराने की कंटेंट कोशिश करी है। तो चलते हैं यहां ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको विजिबल भी हो रहा है। अब इसके बाद में जब कभी भी आप हाइड एंड शो करते हैं तो देखिए आपके पास में क्या चीजें मिलती हैं, या तो एक बटन होगा आपके पास में, उस बटन पे क्लिक करवाने के बाद आप फंक्शनलिटी बनाएंगे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, उससे पहले जीक्वेरी के अंदर ये फीचर्स मिलते थे आपको, तो वो सारी चीजें यहां पे भी पॉसिबल है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम करेंगे यहां पे आपका बटन, इस बटन पे मैं करूंगा आपका हाइड। ओके, एक बटन तो मेरा हो गया आपका किसके लिए, हाइड के लिए, एक बटन ले लेते हैं हम शो के लिए। और टॉगल के लिए मैं भी आगे चल के बताऊंगा आपको, ये दो बटन हो गए हमारे। ओके, इन दो बटन पे आप देखेंगे हाइड एंड शो के दो बटन आ चुके हैं। अब इन दो बटन पे हमें फंक्शनैलिटी लगानी है। ओके, उस फंक्शनैलिटी से पहले हमें सबसे पहले यहां पे क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपका, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका यूज स्टेट। ओके, ये मैं इसलिए आपको इतना ज्यादा फेमिलियर करा रहा हूं यूज स्टेट से कि जितना ज्यादा वर्क हो सके स्टेट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए गाइस। ओके, और यहां पे आप लेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आप यहां पे ले सकते हैं स्टेटस एंड देन सेट स्टेटस। देखिए ये दो चीज ले ली मैंने यहां पे, इसके बाद में यूज स्टेट लेंगे आप, और इसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट चाहे तो ट्रू भी रख सकते हैं चाहे तो फॉल्स भी रख सकते हैं। देखिए मानिए मैंने ट्रू रख लिया इसको अभी। ओके, ये चीज मैंने ट्रू रख ली है। अब मैं इसके बाद में ट्रू रख रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी स्टेटस की, यहां पे अभी ट्रू आ रही है। तो देखिए कंडीशन बेस्ड चीजें कैसे बनाते हैं, यहां पे कर्ली ब्रेसेस लेंगे आप, यहां पे मैंने यहां पे स्टेटस लिया। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क के बाद में आप डायरेक्ट ये एलिमेंट रख लीजिए पूरा डिव का। ओके, ये देखिए, और फिर जो एल्स होगा उसका पार्ट कर देंगे नल,
ये है आपका टर्निंग ऑपरेटर का पार्ट है गाइस, ओके। और ये बहुत बेसिक है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ये चीज तो पता होनी ही चाहिए। इसके बाद में इतनी चीज कर दी मैंने, अगर मैं सेव करूं आपको तो यहां अगर मैं ब्राउजर पे लेके चलूं तो देखिए अभी भी यहां पे कंटेंट हमारा विजिबल हो रहा है अभी, ओके। अब इसके बाद में यहां पे आएंगे वापस, अब बटन पे कैसे करेंगे, ऑन क्लिक कर्ली ब्रेसेस, यहां पे एरो फंक्शन, सेट स्टेटस लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे यहां पे आपको फॉल्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू रखा गया है हमने। और यही चीज मैं करूंगा कॉपी, ओके। कॉपी करने के बाद शो पे आऊंगा, शो पे क्या हो जाएगा हमारा ये ट्रू हो जाएगा, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद में ओके यहां पे हमारा क्या रह गया आपका कर्ली ब्रेसेस रह गया, ये देखिए करेंगे सेव अगेन। अब देखिए सक्सेसफुल आ रहा है, कोई भी एरर नहीं दिख रहा हमें। यहां करेंगे सेव एंड सेव करके चलेंगे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो अभी आपको कॉन्टेंट डिव दिख रहा है अभी, ओके। अब जैसी मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, और जैसी मैं शो पे क्लिक करूंगा ये वापस आ जाएगा। देखिए कितना ईजी था ये, यहां पे हाइट पे क्लिक करा और यहां पे शो पे क्लिक करा तो इट्स वर्किंग, ओके। देखा आपने कितना एक लाइन के कोड में ये चीजें हो रही हैं यहां पे, ओके। आप चाहें तो अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं, बट यहां पे ये चीज चल रही है। अब मानिए कि यही चीज आपको टॉगल के साथ में करनी है, आपको दो दो बटन नहीं चाहिए, आप एक ही बटन पे चाहते हैं इस चीज का, तो देखिए कैसे करना है आपको। मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं टू टॉगल, ओके। और इस वाले पे लिख देता हूं आपका एग्जांपल वन, ओके सिंपल। यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे लूंगा बटन, करूंगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं लिख दूंगा टॉगल, सबसे पहले टॉगल लिख देंगे। टॉगल लिखने के बाद में अब यहां पे हमें करना क्या होगा, देखिए एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको समझाता हूं कि जब कभी भी टॉगल आपको बनाना होगा। यहां पे तो आपके पास में एक डिव है, मानिए आपको नेविगेशन बनाना है, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में करा था, तो वहां प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर ये आपने शॉर्टकट कैसे यूज करा। तो देखिए शॉर्टकट में क्या होता है कि मेरे पास में स्टेटस तो है ही, मानिए स्टेटस है, अभी स्टेटस की बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ट्रू मिलेगी। यहां से जो भी वैल्यू हमने इनिशियल स्टेज पे रखी है वो हमें यहां पे मिलेगी। तो अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं ना तो इसका उल्टा कर दूं मैं। उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम साइन लगाएंगे ये, ओके। ये साइन लगा दिया हमने, इस साइन के बाद में हम करेंगे इसको सेव और सेव, ओके सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद चलेंगे अगर हम यहां पे तो तीन बटन हो चुके हैं, बट अभी दो बटन को हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे टॉगल को, करेंगे क्लिक, देखिए हाइड हो चुका है। जैसे ही मैं टॉगल पे क्लिक करूंगा वापस ये शो हो जाएगा। अगर मैं वापस क्लिक करूं और दिखाऊं मैं आपको तो देखिए आपको दिखता रहेगा कि किस तरीके से चल रहा है। तो देखा आपने कि कितना इजी है टॉगल बनाना यहाँ पे और हाइड एंड शो बटन। अगर मैं अब आपको हाइड एंड शो दिखाऊं तो देखिए ये भी आपका वर्किंग कर रहा है और साथ में टॉगल भी आपका वर्किंग कर रहा है। तो तीनों बटन आपके यहाँ पे वर्किंग है। तो आपने देखा कितना इजी है आपका हाइड शो एंड टॉगल बनाना यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका फॉर्म हैंडलिंग के बारे में कि किस तरीके से आप फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आप कैसे विदाउट फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको फॉर्म के साथ में बताऊंगा और बहुत सारे जो सिलेक्ट होते हैं आपके ऑप्शंस और सारी चीजों को यूज करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब क्लिक टिल देन बाय बाय गाइस।